उन्नाव माखी। उन्नाव से बड़ी खबर, पत्रकार भानु सिंह चंदेल व उनके भाइयों पर हुआ जानलेवा हमला। भाजपा नेता खुद को भाजपा विधायक बंबा लाल का प्रतिनिधि बताने वाला अंशु सिंह, उसके पिता व उसके चाचा नारायण सिंह ने किया जानलेवा हमला। चौकवंशी चौराहे पर किया जानलेवा हमला, पत्रकार की सोने की चैन दिन दहाड़े लूटा, पुलिस पिकेट की मौजूदगी में किया हमला। माखी पुलिस सूचना 2 घंटे बाद पहुंची, आरोपी हुए फरार। पीड़ित पत्रकार की जुबानी, 24 घंटे के अंदर आरोपी के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो भानु सिंह चंदेल करेगा अनशन। पीड़ित पत्रकार भानु सिंह चंदेल ने दी बाइट। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। निजामुद्दीन की खास रिपोर्ट। भानु जी, कल कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आपके साथ में कुछ मारपीट जैसा कुछ किया गया है, जो क्या पूरा मामला था? इतना बदतमीजी इंसान है, उससे हम अभद्रता की हमारे साथ में। उसके साथ जैसे ही मैंने उसके पिता को फ़ोन करके बताया, तुरंत फ़ोन करके आप बच्चा बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उन्होंने आते जब आते आते देर लगा, जब आए तो 3-4 लोग साथ में आए, आकर के हमारे ऊपर हमलावर हो गए। हमारे साथ भाई मौजूद था उस हमले के दौरान, उन्नाव वही चकवंशी चौराहे पर पुलिस पिकेट माखी मौजूद थी, और जैसे विवाद हुआ पुलिस वहाँ से अपने आप वहाँ हट गई। उसके बाद माखी पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस जब पहुँची वहाँ तब आरोपी हमलावर जो थे, अब हम चिल्लाए वहाँ पर, जान बचाने की कोशिश किए, उसके बाद वह भागे वहाँ से, जिसमें हमारे भाई को चोटें आई, हमें भी चोट लगी। उस हमले के दौरान उन लोगों ने मेरे गले की एक सोने का चैन पहने हुआ था, हमें 18 ग्राम का वो भी लोगों छीन लिया, उसके अलावा मेरे सोने का मोती का एक माला पहने हुआ था वो भी छीना, मेरा मोबाइल भी तोड़ा गया, आप देख सकते हैं मोबाइल भी तोड़ा गया मेरा जी। पुलिस को मैंने सूचना दी है, उसके बावजूद पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले संज्ञान में लिया हुआ है, मेरा अमेरिका परीक्षण भी कराया है, उनका कहना है बहुत जल्द तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अभी कोई संतोषजनक कार्रवाई अभी की गई है कि आगे कुछ होना है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? फिलहाल अप्लीकेशन ले लिया है, उन्होंने शिकायत पत्र लिया है, प्रशासन इस मामले पर नजर बना रखे और बोल रहा है कि हम बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई निश्चित करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। कि मेरा सवाल सबसे पहले सरकार से, योगी सरकार से, प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से है कि जिस तरह से लोकतंत्र चौथे स्तंभ पत्रकारों की हत्याएं की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे वो सीडीओ द्वारा पत्रकार पिटाई का मामला, चाहे इसके पहले हत्याएं पत्रकारों की गई है वो हो, इस तरह की हत्याएं घटनाएं अगर होंगी तो किस तरह से पत्रकार सुरक्षित हो, कैसे पत्रकारिता करेंगे? मैं यही पूछता हूँ प्रशासन से, मैं यहाँ गुनाह क्या था, मेरा गुनाह क्या था जो मेरे हमला हुआ, जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, धीरेन सिंह, अंशु, उनके पिताजी बबलू सिंह, उनके चाचा नारायण सिंह और छोटा भाई छोटू सिंह, जो निवासी कुरारी कला के हैं और चौवनसी में ट्रेडर्स के व्यापार करते हुए, इनसे मेरे किसी प्रकार के वाद विवाद कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यही प्रशासन से पूछता हूँ कि मेरा गुनाह क्या था कि मेरे हमला वर्ष क्यों हुए, और फिर अगर मैंने कोई शिकायत करी उनके पिता से तो आदमी आकर के उस मामले को निपटाता है कि आकर किसी को रात में 2 बजे मारने लगेगा? आप भी बताइए क्या ये सही है? सरकार से ही पूछता हूँ क्या सही है? यही है लोकतंत्र है, इसी तरह हम पत्रकारिता करेंगे जी। पत्रकारों के ऊपर पहले भी इस तरह का हो चुका है हमला, कई बार हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं पत्रकारों की, बाकी जिलों की बात छोड़ दिए, उन्नाव में ही कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, प्रशासन अगर पत्रकारों से सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता, उन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो पत्रकार क्या करेंगे? ऐसे ही मरते रहेंगे, मारे जाएंगे, सिर्फ उन पर राजनीति होती रहेगी। पत्रकार की मौत होती है, हत्या की जाती है, तो उस पर कोई नेता राजनीति नहीं करता है। अभी वहाँ पर कोई अगर महिला किसी मौत हो जाती है, कोई हत्या हो जाती है, या कोई धनापदर्शन हो जाता है, कोई इस घटना एक्सीडेंट में कोई मौत होती है, लोग रेलबाड़ी रख के रोड जाम लगाते हैं, लेकिन पत्रकारों में घटनाएं होती है तो कोई नहीं बोलना चाहता है कि आखिर क्यों? चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ देश का है, आपको अपनी जिंदगी को जान जोखिम डाल करके हर मौसम में, हर समय में, हर जनता के समाज के बातों को पहुंचाता है अधिकारियों नेताओं तक, ऊपर तक, लेकिन उसके सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन पीछे क्यों हट जाता है, या अधिकारी पीछे क्यों हट जाते हैं, नेता पीछे क्यों हट जाते हैं? आखिर खाली ये कुर्सी पर बैठ करके ही बातें कर सकते हैं? लोकतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकार है। आप बताएं, मैं पूछता हूं जिम्मेदार लोगों से, कब सुरक्षित पत्रकार होंगे, कब सुरक्षित होंगे? ऐसे मरते रहेंगे। अगर थाना प्रभारी द्वारा जो है आपके की जो है शिकायत पत्र पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आपका क्या करना चाहिए? सवाल पूछा, मैं आश्वस्त कर देता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों को, अपने सभी सूचनाओं को जो हमारे साथ में साथ खड़े होते हैं। आज भी मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके हैं पत्रकार साथियों, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि मैं आज शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जो मैंने तहरीर दी है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जल्द से जल्द, तो मैं कल निश्चित तौर पर मुंडा जनपद के हमारे पत्रकार साथी बैठ करके आमरण अनशन पर बैठेंगे डीएम कार्यालय के बाहर। ये निश्चित